आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। गणपति महाराज विराजे हुए हैं शिव की नगरी में। ये जो आपको प्रतिमा हम दिखा रहे हैं, ये प्रतिमा बबरिया स्कूल के सामने की है और संभवतः सिवनी की सबसे विशाल प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। गणपति विराजे घर घर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह भगवान गणपति विराजे हुए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। 5 दिन हो गए हैं गणपति महाराज को विराजे हुए, कितनी सुंदर प्रतिमा आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही होगी। 7 सितंबर 2024 को गणपति महाराज बुद्धिविनायक भगवान गणेश यहाँ विराजे हुए हैं और ये अब जो प्रतिमा आप देख रहे हैं डीमरी मोहल्ले की है। डीमरी मोहल्ले में कितनी सुंदर आकर्षक सलोनी प्रतिमा यहाँ पर विराजी हुई दिखाई दे रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लगातार ही ये कोशिश रही है कि आपको घर बैठे ही आपके शहर की तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएं, मुहैया कराई जाएं। अभी वर्तमान में भगवान श्री गणेश विराजे हुए हैं, इसके बाद पितृपक्ष आरंभ होगा, तब पितृतर्पण के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। पितृतर्पण किस तरह से किया जाता है, पहले दिन किसका तर्पण, दूसरे दिन किसका तर्पण और पितृमोक्ष अमावस्या तक लगातार किस तरह तर्पण किया जाता है, इस बारे में कोशिश समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया प्रबंधन की रहेगी कि हम बताएँ। ये आपको हम दिखा रहे हैं डीमरी मोहल्ला अशोक वार्ड की, ये आपको यहाँ पर प्रतिमा दिखाई दे रही थी और अब ये महावीर वार्ड की प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं। महावीर वार्ड की सुंदर प्यारी प्रतिमा और यहाँ पर सभी देखिए तैयारियों में जुटे हुए हैं, सारे के सारे जितने भी यहाँ पर आपको श्रद्धालु दिख रहे होंगे, कार्यकर्ता दिख रहे होंगे, वे भगवान गणेश की सुंदर तरीके से सजाने के लिए उनकी तैयारियों में यहाँ पर जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, बुद्धि के देवता भगवान गणेश मारुति मंदिर के पीछे बुधवारी बाजार में ये प्रतिमा यहाँ पर विराजी हुई है। ये आप देख सकते हैं महावीर मारुति मंदिर के सामने के पीछे की ओर ये दरोगा मोहल्ला की तरफ ये प्रतिमा यहाँ पर सुंदर आकर्षक प्रतिमा यहाँ पर विराजी हुई है और गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन मंगलवार 17 सितंबर 2024 को किया जाएगा और 18 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अब इसके प्रांत हम आपको लेकर चल रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे। देखिए यहाँ पर भी एक सुंदर गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर आपको विराजित दिखाई दे रही होंगी, भगवान श्री गणेश की ये प्रतिमा। और पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे की तरफ ये यहाँ पर विराजी हुई दिख रही हैं और ये चूँकि दिन का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए अभी लाइटिंग नहीं है, भीड़ भाड़ शाम के बाद जैसे ही अंधकार पसरता है, रात्रि आरंभ होती है, उसके बाद श्रद्धालु भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को, आकर्षक प्रतिमाओं के दर्शन के लिए निकलते हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं सुनारी मोहल्ले में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा जहाँ विराजी हैं उनके पास हम लेकर चल रहे हैं। सुनारी मोहल्ला सुभाष वार्ड के सुनारी मोहल्ले में ये भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजी हुई है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश की प्रतिमा यहाँ पर विराजी हुई दिख रही होगी। कितने सुंदर प्रतिमाएँ यहाँ पर विराजी हुई हैं और जैसे ही ये गणेशोत्सव आरम्भ हुआ, गणेश प्रतिमाओं के बाद मूर्तिकारों के द्वारा माता दुर्गा के 9 रूपों शक्ति के रूप में माता दुर्गा की आराधना की जाती है और उनकी प्रतिमाओं को बनाने का काम आरंभ कर दिया गया है।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।